हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप राजस्थान प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आपके करंट के सेक्शंस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखिए सूजस ई बुलेटिन आज है 5 अप्रैल, ठीक है, और 5 अप्रैल का हम 4 अप्रैल वाला लेक्चर देखते हैं, क्योंकि एक दिन लेट आता है ना। तो बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले हम गांधी जी का एक कोटेशन देख लेते हैं, सत्य एक विशाल वृक्ष की तरह होता है। देखिए आपने अपने जीवन में ये फील किया होगा कि अगर आपने एक झूठ बोला है, ठीक है, तो उस झूठ को छुपाने के लिए आपको बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं लाइन से, और फिर ये सारे झूठ अल्टीमेटली फाइनली आपको सत्य ट्रुथ बोलना ही पड़ता है, ठीक है। तो सत्य सबके सामने आखिरकार आ ही जाता है। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए एक छोटा सा वृक्ष है, आपने इसको कुचल दिया, मसल दिया, या फिर इसको ज़मीन में वापस से गाड़ दिया, दबा दिया, जिस दिन बारिश होगी इसको नमी मिलेगी तो वापस से खिल उठेगा, ठीक है। उसी प्रकार सत्य भी ऐसा ही होता है, सत्य को कितना भी कोशिश कर लीजिए छुपाने की, अल्टीमेटली एक दिन ये सबके सामने बाहर आ ही जाता है। आपने भी अपने जीवन में कभी ये फील किया होगा कि आपने एक झूठ को छुपाने के लिए हज़ारों झूठ बोले होंगे। अगर आपने अपने जीवन में इस तरह का कोई भी इंसिडेंट फील किया हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आ जाइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए स्वास्थ्य का अधिकार, राज्य सरकार क्या है, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य का अधिकार बिल लेकर आई है। राजस्थान सरकार का मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि जो राजस्थान निवासी हैं, राजस्थान के लोग हैं, उनको क्या है, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जा सके, ठीक है। इमरजेंसी के पीरियड में उनको उनका इलाज हो सके, ठीक है। अगर उनके पास पैसे नहीं है तो फ्री ऑफ कॉस्ट इनका इलाज हो, और बाद में क्या होगा, राज्य सरकार पेमेंट कर देगी। जैसे मान लीजिए किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, अगर उसको किसी हॉस्पिटल में लेके गए तो हॉस्पिटल वाले मना नहीं करेंगे, उसका डायरेक्ट इलाज करना चालू करेंगे। अगर वो अपने फीस पेमेंट नहीं कर पाता है तो उसकी पेमेंट कौन करेगा, राज्य सरकार कर देगी, ठीक है। तो ये राज्य सरकार चाह रही है कि स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला राजस्थान पहला क्या है, एक राज्य बन जाएगा पूरे राज्यों में, और इस तरीके का एक मॉडल स्टेट के रूप में राजस्थान निकल कर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला राजस्थान कौन से नंबर का राज्य बन गया, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का, तो नहीं, राजस्थान पहले नंबर का राज्य बन जाएगा, ठीक है। स्वास्थ्य का अधिकार इस तरह का बिल हमारे इंडिया में राजस्थान सरकार ही लेकर आई है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, काफ़ी लंबी वार्ता चली, जो आंदोलन कर रहे थे डॉक्टर, ठीक है, हड़ताल पे बैठे थे, तो उनके साथ में ये डिस्कशन हुआ है। तो ये वाले प्रोविज़न है कि देखो, प्रथम चरण में 50 बेड से कम निजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को इस कानून के दायरे से क्या है, बाहर रखा जाएगा। तो हमने पहले ही डिसाइड कर रखा है कि 50 बेड से अगर कम बेडों की क्षमता है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में तो वो इस कानून के दायरे में नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा प्रोविज़न है, जिन निजी अस्पतालों ने सरकार से कोई रियायत नहीं ली है, ठीक है, अगर जैसे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है उसने सरकार से कोई भी ग्रांट छूट उसका फ़ायदा नहीं उठाया है, तो ऐसे अस्पतालों को भू आवंटन में कोई छूट नहीं ली है तो उन पर ये कानून बाध्यकारी नहीं होगा, ठीक है, उन पर ये लागू नहीं होगा। अगर जैसे मान लीजिए कोई हॉस्पिटल है, कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है या हॉस्पिटल है या PPP मोड पर संचालित अस्पताल है या निःशुल्क या अनुदानित दरों पर भू आवंटन वाले अस्पताल हैं, ट्रस्ट द्वारा संचालित वे अस्पताल हैं जिन्हें रियायती अनुदानित दरों पर भूखंड प्राप्त हुए हैं, तो उन सब पर ये कानून लागू होगा, ठीक है। जिन भी हॉस्पिटलों को, ट्रस्ट को, मेडिकल कॉलेज को, पब्लिक प्राइवेट मोड अस्पतालों को, ठीक है, अनुदानित दर पर कोई हॉस्पिटल है, ट्रस्ट है ना, तो उनको रियायती दर पर सरकार ने कोई ज़मीन दी है, कोई ग्रांट्स दिए हैं, तो उन सब पर ये कानून लागू होता है। लागू किन पर नहीं होगा, जिन्होंने सरकार से कोई भी अनुदान या फिर भू आवंटन नहीं लिया है, कोई भी फैसिलिटी नहीं ले रहे सरकारी, और या फिर जिसमें 50 बेड से कम क्षमता के प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उन पर ये कानून लागू नहीं होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर निजी अस्पतालों को लाइसेंस एवं अन्य स्वीकृति जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लाया जाएगा, ठीक है, इस पर विचार किया जाएगा। साथ साथ जो निजी अस्पताल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनको फायर NOC प्रत्येक 5 साल में देने पर विचार भी किया जाएगा कि जो फायर मतलब आग, जैसे मान लें आग से आग संभावित या फिर आग लगने का मतलब खतरा है, तो उन्होंने इसके क्या प्रोविजंस कर रखे हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों में, तो इसके लिए क्या होगा, जो फायर NOC दी जाती है वो हर 5 साल में देने पर इसका विचार किया जाएगा, ठीक है। NOC का मतलब होता है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस हॉस्पिटल को चलाने पर, क्योंकि इन्होंने अगर जैसे मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में आग लगने की संभावना होती है तो उसके लिए सारे प्रोविजंस कर रखे हैं, ठीक है। उन्होंने पूरा जो एक्सटिंग्यूशर एस्टेब्लिश कर रखे हैं सभी जगहों पर, उन्होंने जो बोलते हैं ना पाइपलाइन बिछा रखी है, अगर आग लग जाए तो जल्दी से पानी का छिड़काव करके आग को बुझाया जा सके, इस तरह के लिए अगर किसी ने पूरे प्रोविजन कर रखे हैं तो उनको NOC दे दी जाती है। तो इस तरह की NOC हर 5 साल में लाने पर विचार किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट खबर है यहाँ से,
देखिए प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय भवनों पर, ठीक है, जो राजकीय जो गवर्नमेंट के भवन होंगे उन पर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे मान लीजिए बरसात का पानी है तो उसको क्या है, एक टैंक के द्वारा ज़मीन में ले जाया जाता है। पहले उसको एक टैंक में पानी को इकट्ठा किया जाएगा और साथ में उसको जो आसपास के कुएँ होते हैं या फिर एक कुआ खोद कर नीचे ज़मीन में पानी जाए इसके लिए गड्ढे बनाए जाते हैं, ठीक है, जिस तरीके से क्या होता है वाटर को प्रोटेक्शन किया जा सके और पानी का पूरा इस्तेमाल किया जा सके कि पानी वेस्ट ना हो। तो इसके लिए क्या है, अटल भूजल योजना लाई गई थी, ठीक है। सॉरी, अब ये देखिए अटल भूजल योजना है, इसको कब लेकर आए थे, इसको लेकर आए थे 1 अप्रैल 2020, ठीक है, ये डेट याद रखनी, 1 अप्रैल 2020 से अटल भूजल योजना प्रारंभ करी गई थी। इसका लक्ष्य है कि ये 5 साल के लिए योजना लाई गई है ना, 2020-21 में लाए थे, तो 2020-21 से 2024-25 तक ये संचालित रहेगी अटल भूजल योजना, ठीक है। इसके अंदर क्या है, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है प्लस जो वर्ल्ड बैंक है, मैं थोड़ा डार्क कर दूँ इसको, रेड पेन से कर देता हूँ, डार्क भी कर देता हूँ, ठीक है। तो जो इंडियन गवर्नमेंट प्लस वर्ल्ड बैंक, इन दोनों मिलकर इसके लिए काम कार्य कर रही है। इसके लिए क्या होंगे, ये 6,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगी। तो मतलब इंडियन गवर्नमेंट कितना करेगी, 3,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वर्ल्ड बैंक कितना करेगी, वर्ल्ड बैंक भी 3,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मतलब कि 50-50% इसमें पैसा खर्च किया जाएगा, ठीक है। अटल भूजल योजना में कितना, 50-50 पैसा खर्च किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, यहाँ आप इसके प्रोविज़न भी पढ़ सकते हैं, मैंने यहाँ पे लगा दिया। देखो अटल भूजल योजना, भारत सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से 50-50% देश के साथ राज्यों क्रमशः हरियाणा, है ना, तो ये जो स्कीम लाई गई थी देश के 7 राज्यों में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। कौन कौन से, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्यों में भूजल के गिरते स्तर को रोकने के लिए, भूजल के बेहतर प्रबंधन के लिए 1 अप्रैल 2020 से लागू की गई। यही योजना 5 वर्षों के लिए लागू करी गई है, जो 2020-21 से लेकर 2024-25 तक के लिए है। इस योजना की अनुमानित लागत कितने, 6,000 करोड़ रुपए है, जिसमें से 3,000 करोड़ रुपए विश्व बैंक देगा और 3,000 करोड़ रुपए कौन देगा, भारत सरकार के हिस्से में आएगा, ठीक है, जिसमें से राज्य में कुल 5 वर्षों के लिए कुल इतना आवंटन किया गया है, ठीक है। ये 3,000 करोड़ में से 1,189 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं राजस्थान सरकार के लिए। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य के 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों के 1,144 ग्राम पंचायतों के चिन्हित किया गया है, जिन्हें जैसे 1,144 ग्राम पंचायत स्तर पर जल सुरक्षा प्लान बनाया जाना प्रस्तावित किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो पानी है उसको बचाना है, इसलिए वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए अटल भूजल योजना लेकर आए थे, ठीक है। तो कब लेकर आए थे, 1 अप्रैल 2020 को लाए थे। जो इंडियन गवर्नमेंट है प्लस वर्ल्ड बैंक के सहयोग से संचालित की जा रही है, इसमें 50-50% का रेशियो रखा गया है, ठीक है। 6,000 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। तो इस तरीके से ये प्रोविजन से इनको ध्यान रख लीजिए, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर पूछ लिया तो, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, ठीक है। अब देखो बीज स्वावलंबन से पता चल रहा है कि बीज का क्या करना है, प्रोडक्शन करना है इस तरीके से कि किसानों को निशुल्क बीज का वितरण किया जा सके, ठीक है। तो अब इसमें क्या प्रोविजन है, इस योजना के तहत 10 वर्ष से कम अवधि की उन्नत किस्मों के बीजों का उत्पादन किया जाएगा। इस योजना में गेहूं, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, मोठ, उड़द के बीज उपलब्ध होंगे, ठीक है। इसमें जो पैसा फंड आएगा वहाँ से कृषि कल्याण कोष से इसमें जो राशि है 15 करोड़ रुपये की राशि का वहन किया जाएगा, ठीक है। राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन के तहत प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों को निशुल्क बीज उपलब्ध कराने के लिए ये योजना शुरू की गई है। कौन सी, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, ठीक है। इसके मेजर प्रोविजंस भी देख लेते हैं जो यहाँ पर हैं। देखिए मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना राज्य के किसानों द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु उनके खेतों पर गुणवत्ता युक्त उन्नत बीज उत्पादन किए जाने के उद्देश्य मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना का प्रारंभ कब किया गया था, वर्ष 2017-18 में इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना कब प्रारंभ करी गई थी, वर्ष 2017-18 में इसको प्रारंभ किया गया था। राज्य निधि की इस योजना की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई थी, जो राज्य के कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर जिले से स्टार्ट करी गई थी, ठीक है। वर्ष 2018 इसमें क्या कर रहा था, इस योजना का विस्तार करते हुए राज्य के सभी खंडों में इस योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना में फसल का चयन, ठीक है, तो फसल का चयन इस तरीके से किया जाएगा, 10 वर्ष से कम अवधि की अधिसूचना में ये अपन ने नीचे पढ़ा ही था कि इस योजना के तहत 10 वर्ष से कम अवधि के उन्नत किस्मों के बीजों का उत्पादन किया जाएगा, जिसमें कौन से, जैसे खरीफ सीजन की ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, मोठ, उड़द तथा, है ना, और रबी सीजन की कौन कौन सी, गेहूं, जो, चना, इस तरह की फसलों का प्रोडक्शन किया जाएगा, मतलब उनके बीजों का उत्पादन किया जाएगा।
फिर इसमें कृषक समूहों का गठन किया जाएगा। इसके अलावा इसमें समूह जो समूह के बीज उत्पादक सदस्यों का चयन किया जाएगा, किन किन को बीज प्रोडक्शन के लिए चुना जाएगा, ठीक है। इसमें निशुल्क बीज वितरण का भी ध्यान रखा जाएगा कि किन किन क्षेत्रों में निशुल्क बीज प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। प्रत्येक कृषक समूह के बीज उत्पादक कृषक को वंचित आधार प्रमाणित बीज पर निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है ना। इसके अलावा बीज उत्पादन हेतु प्रशिक्षण एवं रोगिंग भी ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ठीक है। एक समूह के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण पर प्रति कृषक कितने 30 रुपये और प्रति प्रशिक्षण जो ट्रेनिंग दी जाएगी पर ट्रेनिंग पर 1500 रुपये तक का खर्चा आएगा। और समूह के किसानों को बीज उत्पादन प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी देने के लिए एक दिवसीय 3 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। रोगिंग हेतु कृषकों को किए जाने वाले भुगतान 1000 रुपये हेक्टेयर DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र या फिर RTGS के माध्यम से संबंधित बीज उत्पादक कृषक के खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये देखिए आप ये देख सकते हैं, बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना में इसमें क्या है, योजना के तहत 10 वर्ष से कम अवधि की उन्नत किस्मों के बीजों का उत्पादन किया जाएगा और इसमें खारिफ एंड रावी की फसलों का के लिए बीज का प्रोडक्शन किया जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये पॉइंट याद लीजिए, वर्ष 2017-18 से इसको प्रारंभ किया गया है, ठीक है। 2017-18 से प्रारंभ करी गई है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर छात्राओं को सालाना 30,000 स्कूटी डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। देवनारायण स्कूटी योजना में कल हमने देखा ही था कि टोटल जो स्कूटी का वितरण किया जा रहा है कितनी कर दी गई है, 30,000 बढ़ा दी गई है, ठीक है। पहले इसमें कितनी थी, 10,000, फिर थोड़ी बढ़ा 20,000 करी, फिर अब 30,000 कर दी है। इस तरीके से बढ़ा बढ़ा कर छात्राओं की सालाना जो स्कूटी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी वो 30,000 स्कूटी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा यहाँ से, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाते जाते आपसे पूछ लेते हैं एक क्वेश्चन, बताइए आंसर। एक सेकेंड, देखिए कल तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कल का जो क्वेश्चन है, कल का क्वेश्चन था कि बाबा साहब अंबेडकर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल को सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किया था, तो उसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये वाला जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 32, इसको सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। अब आज का क्वेश्चन देखते हैं, बताइए राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। तो देखो जीवन जीने का अधिकार और दैहिक स्वतंत्रता हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में लिखी हुई है, ठीक है। तो आर्टिकल जैसे मान लीजिए 19 में है, आर्टिकल 20 के अंदर है, आर्टिकल 21 के अंदर है, या फिर आर्टिकल 22 के अंदर है, बताइए। ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में प्रोविजन है, आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 20 में, 21 में या 22 में, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। चलो एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ इसके साथ साथ, ठीक है। तो बताइए, एक मिनट इसको साफ कर देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन हो गया एक तो, ठीक है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में दे रखा है। और दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, बताइए इंदिरा गांधी, ठीक है, मैं IG कर देता हूँ, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, ठीक है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, ऑप्शन ए 150 डेज का, ऑप्शन बी 125 दिन का, ऑप्शन सी 100 दिन का, ऑप्शन डी हो जाएगा 50 दिन का, ठीक है। तो आपको बताना है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है राजस्थान सरकार द्वारा। एक्चुअली क्या है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना राजस्थान सरकार के द्वारा ही स्टार्ट करी गई है, और मतलब और किसी के द्वारा संचालित नहीं है, ठीक है। ये इंडिया में कौन से स्टेट के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा लाई गई है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। अगर हम बात करें मनरेगा की, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, मनरेगा, तो ये क्या है, इसके अंदर
जो सेंट्रल गवर्नमेंट तो 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड कराती है, परंतु हमारी राज्य सरकार ने अतिरिक्त 25 दिन का इसमें रोजगार दिया, तो 125 दिन का रोजगार इंद्र मनरेगा में उपलब्ध कराया जाता है। परंतु राजस्थान सरकार जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना लेकर आई है उसमें कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए, और आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए।